जैसे जी रहा है ना, ये वही जान सकता है। छोटे छोटे बच्चों को लाइन से लगे हुए होते हैं, बच्चे बाल्टियाँ ले लेके, मुझे बहुत दुख होता है इनको देखकर कि इनके पढ़ने के दिन ही पानी के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। बच्चे भी हमारे छोटे थे तो पानी की बहुत परेशानी होती थी, हम लोगों ने खारा पानी भी पिया है। हमारा कुआं था हमारे घर में, लोग देखते हैं दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं, दवाएं लें या बच्चों को देखें, खिलाएं या क्या करें, बताएं। इसलिए मेरी सबसे दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के प्लीज सोचें कि क्या करना है आगे, क्योंकि आपको पता अभी इतनी महंगाई है, आगे और महंगाई होगी। तो इंसान पानी भी खरीदेगा तो सोचेगा कि ये पैसे मेरे बच जाएं तो मेरे बच्चों के काम आ जाएंगे। नहीं नहीं, थोड़ा मेरा ना दिल हो गया एकदम। जाहिर बात है मैं देखती हूँ ना, मेरे पास लोग आते हैं अमूमन, तो मैं वही एहसास हो जाता है ना इंसान को कि पानी की तो बहुत बुरी सूरत हाल है भाई। हाँ, अब ये पानी है हमारी नाइन का पानी है, ये कभी बिल्कुल इतना हल्का आ जाता है कि मोटर भी हमारी खींचता पानी नहीं खींचती। आई थिंक गटर का मसला बुरा हाल है, इधर कच्ची आबादी है, अब क्या करें इसको बोलें। वो नलों में आ रहा पानी, कभी गटर का लाइन का पानी मिक्स है उसमें, और उसमें कभी गंदगी का पानी आता, जंग वाला पानी आता, क्योंकि वो पुरानी पाइपलाइन है जो बीड़ की डली हुई है ना, वो इतनी जंगार वाली है, जो उसका पानी आता है उससे बीमारी इतनी फैल रही है जिसकी कोई हद नहीं। कब तक चलेगा ये सिलसिला, इसे अब बंद होना चाहिए, बहुत हो गया, बहुत थक गए हम लोग। ये देखें, ये है किंझर लेक, और ये इसका जो पानी है ना, असल में कराची है, वो वहाँ पे है कराची। तो फिर ये हम लोग पानी को यहाँ से लेके आते हैं, यहाँ ये मुख्तलिफ कैनाल्स हैं हमारे, और ये फिर ग्रेविटेट होता हुआ पिपरी आता है। पहला प्लांट हमारा यहाँ पिपरी पे है, बाकी जो रिमेनिंग पानी है वो हम ले जाते हैं एडीके पे, और रिमेनिंग यहाँ से जीके का जो पानी है ग्रेटर कराची वो हम लाते हैं यहाँ सीओडी तक, और फिर सीओडी से तकरीबन हमारे 13 टाउन हैं जो हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ जो हमारा K2 है
वो K2 हम यूनिवर्सिटी रिजर्वायर पे ले जाते हैं, 2-3 टाउन उसमें से चलाते हैं, और जो K3 है वो हम एनी के ओल्ड से ले जाते हैं और नॉर्थ कराची, न्यू कराची और इनको देते हैं। हब डैम है ना, ये हमारा दूसरा सोर्स है, दो सोर्स है, एक में इंडस सोर्स और दूसरा हब सोर्स है। फिर ये हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं कि जी ये जो बल्दिया है, औरंगी है या क्यामाड़ी है, ये यहाँ से सप्लाई होती है। तो इस तरह ये जो भी है कराची, अब समझे कि 200 किलोमीटर वहाँ से और ये भी 30-40 किलोमीटर है, ये ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं, फिर फिल्टर करते हैं। तो इसको सारे को आप मतलब बड़ी मुश्किलों से ये पानी मिलता है, और ये प्रीशियस पानी है, ये लाइफ है, ये हम किसी और के लिए नहीं देते, ये प्योरली आपको पीने का पानी है। पहले में हम 3 कच्ची आबादियों को फोकस किया है, दूसरे फेस में 10 कच्ची आबादियां हमने फोकस की हैं, और उसके बाद अगले फेस में हम इनकी तादाद को बढ़ाते जाएंगे। वर्ल्ड बैंक इज ब्रिंगिंग $200 मिलियन एक्सक्लूसिवली फॉर कच्ची आबादीज डेवलपमेंट। इसके दो साइड हैं इस प्रोजेक्ट के, एक साइड टेक्निकल है जहाँ पर हम वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीम कंस्ट्रक्ट करेंगे या रिहेबिलिटेट करेंगे, और दूसरा साइड इसका सोशल साइड है जिसमें हम लोगों को इन्वॉल्व करेंगे ताकि कम्युनिटी जो है वो ऑनरशिप ले। We can have a sort of a tap water or a standalone tap, can have a street sewer, can have a sort of a small RO plant. कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कंट्रीब्यूशन से ये हमने 5,000 गैलन का आरओ प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल किया है ग्राउंड वाटर पे, और इसके ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए हमने वाटर यूजर्स कमेटी भी बनाई है जो उसको मेंटेन करेगी, और पर लीटर के हिसाब से यहाँ पे कुछ अमाउंट भी फिक्स किया गया है जो वाटर यूजर कमेटी होगी वो हाउस होल्ड के हिसाब से वो कलेक्ट करेगी। Now we would like to have this project implemented in the form of K4, which is going to bring 260 MTD of water. So that will bridge the gap between supply and demand. अगर आप इन कच्ची आबादियों में जाएं तो आप ये देखेंगे कि वहाँ बहुत छोटी छोटी सी गलियाँ हैं और प्लानिंग से घर नहीं बने हुए, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर हम पाइप वाटर वहाँ पहुँचाते हैं या सीवरेज सिस्टम सही करते हैं तो जो उनके घर हैं वो किसी तरह से मुतासर ना हों। KWNSB through KWSSIB is going to lay the pipe network and the sewerage network in these Kachi Abadis with the given consent from the residents of these Kachi Abadis that they will pay the user charges. अगर पानी की पाइप सिर्फ जरिए पानी घरों में आता है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बिल भी पे किए जाए। इससे बड़ी सहूलत क्या होगी, जो भी बिल आएगा 150-200 रुपए आता है महीने का, वो हर खुशी खुशी बंदा अदा करेगा। देखिए हमारे घर में जब लाइन का पानी आ जाएगा और हमें भाई साफ शफाफ पानी मिलेगा हमको, और भाई घर बैठे हमको, और फिर हमारी समझ ज़्यादा हमारी सेहत तंदुरुस्ती और सबके लिए आसानी होगी, और ना हमें कहीं जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए, तो हमें बहुत ही सहूलत हो जाएगी लाइन के पानी से। ऐसे मंसूबे जारी रहें, हम ये चाहते हैं कि ये जो इदारा है ये बंद ना करे, इस नेकी को जारी रखे। सो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक, दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू ब्रिंग विजिबल चेंज ऑन ग्राउंड, बिकॉज KWSB विद द गिवन पोटेंशियल कैन डू वंडर्स।